सामुद्दीन मरकज से 5 जमातियों के टोंकाने से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी 5ों को सादत अस्पताल लाया गया, जहां 5ों की स्क्रीनिंग की गई। हालांकि प्राथमिक जांच में 5ों स्वस्थ बताए जा रहे हैं, फिर भी सावधानी के तौर पर उन्हें अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 5ों जमातियों के सैंपल्स लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए। राहत की बात है कि अभी तक टोंक में कोरोना का कोई भी मरीज पाया नहीं गया। अभी तक 49 लोगों के सैंपल रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हो आई है, लेकिन दिल्ली से इन जमातियों के आने से लोगों में दहशत जरूर फैल गई। दिन मरकज से लौटे 5 जमातियों के बाद टोंक में एक हड़कंप सा मच गया था, जिसके बाद से चिकित्सकों की एक टीम ने इन 5ों को डिटेन कर सादत हॉस्पिटल लाया गया है, जहां इनकी प्राथमिक जांच में अभी तक कोई ऐसा लक्षण नहीं मिला है। फिलहाल इन 5ों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और इनके जांच के सैंपल जयपुर भेजे गए हैं। रात की बात है कि टोंक में अभी तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। अब तक 49 लोगों की जांच के सैंपल भेजे गए थे, सभी की जांच रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई है। आज भी 7 लोगों की जांच के सैंपल जयपुर भेजे गए हैं। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 न्यूज। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां विधायक शकुंतला रावत